हेलो दोस्तों, दिस इज रेमनेंट फ्रॉम एनसीएम मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो वीडियो भाई आपको मजा आ जाएगा देख के। बेसिकली क्या इंटरसेप्टर मॉडल के अंदर अगर बात करें इसके कॉम्बिनेशन स्विच की, तो कई लोगों ने बोला और जो कि सही बात है भाई, ये एक मतलब प्रीमियम बाइक है और उसका फील भी देती है भाई पूरी सुपर बाइक की। बट ये जो स्विचेस और मुट्ठे और ये लीवर है ये दे दी इन्होंने क्लासिक, जो मतलब स्टैंडर्ड क्लासिक इलेक्ट्रा सब में वही, तो इसमें भी वही कर दिया। बट जो मिट्योर बाइक है उसके बाइक स्विच आए वो आउटस्टैंडिंग आए। जो मिट्योर हुई, रिबॉर्न हुई और जो आने वाला मॉडल है क्रूज, इन इसका इंटरसेप्टर का अभी तक आया नहीं है, ये वीडियो बन रही है। हो सकता है जब आप बाद में देखो तो जब तक आ चुका हो। उसके जो जो स्विच दिए हैं वो दिए भाई खतरनाक, बोले तो एकदम झक्कास। वो मेरे पास आ चुके हैं और आप सोचो कि ये डायरेक्ट लग जाएंगे, तो भाई ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी, डायरेक्ट नहीं लगने वाले हैं। इसके लिए थोड़ा वायरिंग का काम करना पड़ेगा और वायरिंग का काम करना पड़ेगा। काट पीट तो आपको पता, आपको भाई नहीं करता है। बट मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इसके लिए प्लग एंड प्ले वाले सॉकेट बना रहा हूँ। अगर स्विच की बात करें तो ये स्विच, ये वाले मिट्योर वाले, ये वाले स्विच आपके लग सकते हैं हर एक बाइक में। हर एक बाइक बोले तो इनफील्ड की, मतलब जितनी हमारी ब्रॉन फील्ड की बाइक हैं, क्लासिक स्टैंडर्ड कोई से भी, ये वाले जो स्विच देख रहे हो ना आप, ये हाई बीम लो बीम पासिंग इंडिकेटर है, क्या मलाई मक्खन की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे ट्रिप का आ जाता है, बट ये कैसे काम करेगा वही मैं बता दूंगा आपको। और ये हमारा रेड वाला इस साइड का स्विच है, ये जो बटन है ना भाई देखो, ये सेल्फ ऑफ ऑन सेल्फ, और ये हमारा चारों इंडिकेटर हैजार्ड के लिए जो कि इसमें लगाने वाला हूँ। ठीक, बहुत मज़ेदार है ये स्विच, मतलब मज़ेदार बोले तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और ये और ज़्यादा मज़ेदार जब होगा जब ये आसानी से बिना किसी तार कट करे लगेगा। तो आपके भाई बना रहा है इसके लिए एक सॉकेट, अभी आपके सामने तैयार करेंगे सॉकेट को, जो हमारा मतलब कॉम्बिनेशन, और वो आप ले सकते हो, आप चाहे क्लासिक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक किसी में भी ये स्विच बाय करके, आपको ये स्विच बाय करने हैं अपनी बाइक में लगाना है और हमारा सॉकेट लगा देना, ये चीज़ हो जाएगा प्लग एंड प्ले वाले सब। बिना देरी करे पहले सॉकेट बाद में बनाएंगे, सबसे पहले क्या करते हैं इसके स्विच चेंज कर लेते हैं। और मैंने इसके ना ग्रिप भी मंगा लिए वाले, तो इसके ग्रिप जो है बहुत अच्छे हैं मिट्योर वाले, ये मंगा लिए। और साथ साथ मंगा लिए इसके ब्रेक, हैंड ब्रेक और क्लच के लीवर। लीवर तो यार भाई मतलब मज़ा आ गया, आई लव यू टू वाले लीवर है। बट अभी मेरे पास इसका ये वाला मास्टर सिलेंडर नहीं है, जब मास्टर सिलेंडर आ जाएगा तो वो भी फिट करेंगे। तो अभी फिलहाल कर रहे हैं इसके अंदर हम ग्रिप और कॉम्बिनेशन स्विच। ठीक है, तो आइए खोलते हैं इसको। फायदा ये है दोस्तों मुझे इसमें ना, क्योंकि आप जानते हो इसके अंदर मैंने मिट्योर हैंडल लगा दिया था, तो ये स्विच के लिए होल नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट लग जाएगा, तो इसके लिए कोई होल नहीं करने पड़ेंगे। अगर मैं ये मिट्योर का हैंडल नहीं है, ओरिजिनल हैंडल होता तो हमें इसके होल करने पड़ते हैं। याद रखना आपको ये होल जरूर करने पड़ेंगे अगर आप ये लगाओगे। बात करें अब लगा देते हैं एक्सीलेटर वायर की, तो भाई इंटरसेप्टर में सबको पता है दो वायर होती है, ए और बी। एक होती है खींचने की, वापसी की, वापसी की जो कि इतनी नीड नहीं पड़ती किसी को भी। और हमारे मिट्योर में है भाई सिंगल वायर, तो आपको बिना किसी टेंशन लिए आप इसकी एक वायर हटा के खाली ए वाले पे लगा दोगे, बी वाली वायर हटा दोगे और सिंगल वायर लगाने में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि भाई जो डबल वायर होती है बेसिकली ड्रैग के टाइम काम आती है, जब ड्रैग वैग करते हो क्विक डाउन करने के लिए, तो जो कि वैसे ऑलरेडी स्प्रिंग इतनी होती है कि क्विक हो जाती है, तो बढ़िया काम करेगा ये, कोई इशू नहीं है। और इसके साथ प्लस पॉइंट ये, जैसे आपने नोटिस किया है इंटरसेप्टर में हैंड ब्रेक स्विच की वायर अलग से लगती है एक नॉर्मल क्लासिक वायर की तरह, बट आपको मिट्योर वाली में क्या है, यहाँ पे आपको वायर मिल जाती है ब्रेक स्विच की, ये वायर और इसी में से जा रही है और इसका अलग से सॉकेट है, तो ये भी हमारा डायरेक्ट लग जाएगा ये वाला सॉकेट है। तो हमें ये वाली वायर भी निकाल देंगे इसकी ब्रेक की। ठीक, तो इसको टाइट कर लेते हैं, फिर वायरिंग समझाता हूँ मैं आपको। अब इसका मैं सिमटेक भी हटा दूंगा, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वहाँ पे चारों इंडिकेटर चलाने का है, तो ये वाला मैं हटा रहा हूँ, बल्ब लग रहने दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसकी फैक्ट्री कंडीशन वायरिंग कर देते हैं सारी हटा के, स्विच विच हटा के खाली हमारे पास दो स्विचेज रहेंगे। सबसे पहले हम इसका इग्निशन का करते हैं। चलो अब ये बार लगा के देखते हैं कैसे काम कर रहा है। सही है, ओहो बढ़िया, मस्त काम कर रहा है। ऑफ ऑन सेल्फ, अब बाकी चीज़ और कनेक्शन करें। एक सॉकेट तो हमारा लग गया, अब लाइट इंडिकेटर का सॉकेट लगाना है।
चेक कर लेते हैं, और लेफ्ट का इंडिकेटर, राइट का इंडिकेटर, हॉर्न, ये लो बीम है, हाई बीम पे ये जल जाएगा, अभी लाइट जलाएंगे जब चेक करा दूंगा। अभी मैंने इसका कनेक्शन नहीं किया, ये वैसे ट्रिप ए भी होता है, इसके लिए हमें मीटर खोलना पड़ेगा, ये भी नहीं कर रहे हम, मैं इसमें कर दूंगा चालू, ऑडियो ट्रिप ए भी बीच से चालू कर देंगे। और ये मैंने इसमें स्विच में क्या फ़ायदा भाई, ये करे चार इंडिकेटर, मुझे सिमटेक की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हज़ार सिस्टम ताकि फॉग वॉग में या एमरजेंसी में काम आए, तो ज़रूरी नहीं है मैं कि मैं यही वाला लगाऊँ, तो मैं तो यहाँ से चार इंडिकेटर चलाऊंगा। और इससे आप हेडलाइट भी कर सकते हो, बहुत से क्लासिक BS3 में ही लगाएंगे, तो भाई आप हजार ना लगा के इससे हेडलाइट भी कर सकते हो, तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो सब मैं आस्ते आस्ते बता दूंगा। तो पहले अभी बिना देरी करे आपको दिखाता हूँ कि कैसा सॉकेट बना है और किस तरीके से लगाना है, और क्या जो हम सेल कर रहे हैं, मतलब जो मैं बना के बेचूंगा इसको, मतलब आपको मिल जाया करेगा बिना किसी टेंशन के। तो ये दो सॉकेट पहुँचेंगे अगर आप लोगे, तो ये और ये बना है अभी, प्लग एंड प्ले वाला हिसाब, ठीक है, ऐसे लगाना है, दो सॉकेट ये हैं, बाकी इसके कलर चेंज कर देंगे ताकि कलर टू कलर लग जाए। एज इट इज़ ये लग जाएंगे हमारे, जैसे हमारा ये लाल स्विच, लाल बटन में आता है वायरिंग में से, ये लग गया ठीक, और ये आ गया वायरिंग का ब्लैक वाला लेफ्ट साइड का। अब क्या हमारी वायरिंग यहाँ से बन गई मिट्योर वाली, अब इसको हमें कलर टू कलर मिलाना, जैसे ये वाला सॉकेट कपलर जो है ये हमारा, ये इसमें लग गया, और यहाँ का ये रेड वाला इसमें लग गया लंबी वायर वाला, और ये वाइट टू वाइट, और आपको जो मिलेगा वो ब्लैक टू ब्लैक ही मिलेगा ठीक। और ये हमारा ट्रिप वाला, तो इससे हम कनेक्शन कर देंगे, इसके लिए मीटर खोलना पड़ेगा। और जो मैं वो बता रहा था ब्रेक स्विच का, तो ब्रेक स्विच की तार बिना वायर कट करके यहाँ लग गई, ठीक है। अब इसकी बिना देरी करे हेडलाइट लगाते हैं और चेक कराता हूँ। ये ना लुक ही अलग हो गई है, मतलब प्रीमियम वाली फील आ रही है अब, जैसे जैसे ये BS4 के साथ हमारा मतलब जो लो है, हेडलाइट ऑन रहेगी हमेशा इसकी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट, लो बीम, ये हाई बीम, और यहाँ पासिंग का सिस्टम ठीक। और इससे मैं ट्रिप ए भी कभी करूँगा बहुत जल्दी, ये वाला स्विच आगे से हमारा लेफ्ट का इंडिकेटर, राइट का इंडिकेटर, और ये हजार के लिए चारों स्विच एक साथ, ये आ गया हॉर्न, बढ़िया एकदम, थोड़ी ग्रिप भी अच्छी, प्रीम वाली फील आ रही है यार अब, बढ़िया। यहाँ से किल स्विच ऑफ, ऑन, अब आ रहा है, थोड़ा बढ़िया लग रही है, मीटियोर का हैंडल ये। अब जल्दी से इसका ये वाला मास्टर सिलेंडर मिल जाए, फिर लगाते हैं इसको। अगर आप लोग ये लगाना चाहते हो और ये स्विच वगैरह आप ले सकते हो यहाँ से, और क्योंकि देखो मैं आपको क्लियर बताऊँ, ये स्विच वगैरह तो मैं नहीं भेज पाऊँगा, ये आप अपने डीलर से पता कर लो। अगर आपको स्विच मिल रहे हैं और आप स्विच ले लोगे, तो सॉकेट में आपको सेल मतलब मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। वो मेरा नंबर नहीं है, कहीं आप सोचो मेरा नहीं है, वो टीम संभालती है, तो वो मेरा नंबर नहीं है। वहाँ से आपको खाली इसके सॉकेट, ये वाले जो कपलर हैं प्लग एंड प्ले वाले, ये मिल जाएंगे, स्विच आपको खुद से लेने पड़ेंगे। अब भी बोलो हमारे पास, हम नहीं रखते हैं ये, ठीक, आपको समझ गए होंगे। इसमें दो तीन ऑप्शन हो सकते हैं, देखिए इसका तो मैं मीटर वाला मैं नहीं करके भेजूंगा, क्योंकि उसके लिए मीटर खोलना पड़ेगा, वो मैं नहीं करके भेजूंगा, मीटर का प्लग हमारा ऐसे रहेगा। हम क्या करेंगे, अगर आप चाहते हो ये चार इंडिकेटर नहीं चाहिए, यहाँ पे हेडलाइट का स्विच चाहिए जैसे BS3 में होता है, तो वो भी हो जाएगा, और अलग से कुछ चाहिए तो मतलब हमारे हाथ में कस्टम सब कुछ हो सकता है। तो फिलहाल इंटरसेप्टर के लिए बेस्ट है इसके लिए। होप आप भाइयों को वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इंतजार में वीडियोज़ का, मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियोज़ के साथ। बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।